लंबी बहू और छोटा पति का पहला करवा चौथ। कहाँ गए आज सारे लोग, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। मेरा तो आज खेलने का बहुत मन कर रहा है, अगर मुझे कोई दिखाई ही नहीं देखा तो मैं खेलूंगी किसके साथ। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और कृतिका को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लंबी घोड़ी लाल लगाम, जिराफ देखो जिराफ आ गया, देखो देखो जिराफ आ गया। इसकी कितनी लंबी हाइट है, हम लोगों की दीदी लगती है। सभी बच्चों को अपना मजाक उड़ाते हुए देख कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सारे बच्चे उसे पत्थर उठाकर मारने लगते हैं और इतने में ही कृतिका की नींद खुल जाती है और वो पसीने से लटपट यहाँ वहाँ देखने लगती है। हे भगवान, उस बुरे सपने से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। खैर, सपना पुराना बेशक है, लेकिन हर रोज वो चीज ताजा होती ही रहती है, क्योंकि मेरी हाइट इतनी लंबी जो है। कहकर कृतिका बिस्तर से निकलती है और घर के काम करने लगती है, लेकिन घर के काम करने पर भी उसकी गर्दन कभी किवाड़ की चौखट में लगती तो कभी उसके सर पर मचांग लग जाता है। हे भगवान, फिर से मेरे सर में ये किवाड़ की चौखट लग गई। तभी पीछे से उसकी माँ कहती है, कितनी बार तुझे कहा है कि दरवाजे से झुक कर निकला कर, तेरी हाइट इतनी लंबी है और तू बार बार चौखट में जाकर लग जाती है। माँ, काश के भगवान ने मेरी हाइट छोटी ही बनाई होती। कृतिका को अपनी लंबी हाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वहीं उसकी माँ उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। वो पंडित के पास जाती है और पंडित से कहती है, कितना समय हो गया है पंडित जी, अभी तक आपने एक भी लड़का नहीं बताया मुझे अब मेरी बेटी के लिए। बहन जी, अब मैं क्या करूं जब आपकी बेटी ही इतनी लंबी है और उसके सामने तो लड़के भी बच्चे लगते हैं। अभी लड़का अपनी से लंबी लड़की के साथ शादी करना ही नहीं चाहता। पंडित जी, कम से कम आप तो ऐसा ना बोलिए, एक आपके ऊपर ही तो मुझे भरोसा है कि आप मेरी बेटी का कहीं ना कहीं रिश्ता करवा ही दोगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही कोई लड़का मिलेगा मैं आपको बहन जी जरूर बताऊंगा। इतना सुनने के बाद ममता वापस अपने घर जाने लगती है। आते वक्त रास्ते में कुछ औरतें उसे मिल जाती हैं, जो उसकी लंबी हाइट वाली बेटी के लिए ताने सुनाने लगती हैं। अरे बहन, कहाँ जा रही हो, पंडित के पास ही होकर आ रही हो क्या, कोई लड़का मिला या नहीं तेरी बेटी के लिए। बात ही कर रही हो ललिता बहन, इतनी लंबी लड़की से कौन ही शादी करना चाहेगा। सबके संजोग ऊपर से बनकर आते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बेचारी ममता की बेटी कृतिका का संजोग तो बिगड़ कर आया है। ललिता की बातें सुनकर सुनैना भी जोर जोर से हंसने लगती है। बेचारी ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसी से वो कुछ नहीं कह पाती। वो चुपचाप अपने घर पहुंच जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कृतिका सब समझ जाती है। क्या हुआ माँ, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, लगता है आज फिर से गाँव की औरतों ने आपको मेरी हाइट के चलते ताने सुनाए हैं। अरे बेटी छोड़ ये सब, तो औरतों का रोजाना का ही है, अब तो मुझे आदत सी हो गई है ये सब सुनने की। अपनी माँ को मायूस देख कृतिका का चेहरा भी उतर जाता है। दोनों माँ बेटी शाम को खाना खाकर समय से ही सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पंडित बहुत ही खुश होकर ममता के पास आता है। मुबारक हो ममता बहन, मुबारक हो। तुम्हें पता है इस घर में खुशियाँ आई हैं, खुशियाँ। अब तो जल्दी से बिटिया की शादी की तैयारी में लग जाओ। क्या बोल रहे हो पंडित जी, सच सच कहो, क्या सच में मेरी बेटी के लिए लड़का मिल गया है। अरे हाँ बहन, रिश्ता खुद तुम्हारे घर चल कर आया है, लेकिन हाँ एक कमी है। बताइए क्या कमी है। लड़का और उसका पूरा खानदान बोना है, उसके लिए छोटी हाइट वाली लड़की नहीं मिल रही थी और आपकी बेटी के लिए लंबी हाइट वाला लड़का नहीं मिल रहा था। शायद इसी को संजोग बोलते हैं। वो लोग आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करवाने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ा देता हूँ। ममता थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, तभी उसकी बेटी कृतिका आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ सोच क्या रही हो, एक कमी मुझ में है तो एक कमी उस लड़के में है, हम दोनों के अंदर कमी है और हमारी कमी के चलते कोई हमसे शादी नहीं करेगा, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी पंडित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप रिश्ते की बातें आगे बढ़ाइए। देखते ही देखते पंडित दोनों परिवारों में शादी की बात चलाने लगता है और अब दोनों परिवारों में ही शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बंटी कृतिका के साथ शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ घर के चौखट के बाहर उसकी पत्नी और वो एक साथ खड़े होते हैं। अरे बहू, बस दो मिनट ठहरो, यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से गृह प्रवेश तो कर दूं। अपनी बोनी सास, बोने पति और बोनी ननंद को देखकर कृतिका हैरान रह जाती है और उसे अचानक से हंसी आने लगती है। अरे वाह भाभी,
आप मनी मन मुस्कुरा रही हो, कोई जोक याद आ गया है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। आप सभी मेरे इर्द गिर्द खड़े हो और मैं आप लोगों से कितनी लंबी लग रही हूँ, बस इसी बात पर हंसी आ गई। कृतिका की बात सुनकर वहाँ किसी को भी बुरा नहीं लगता, उसकी सास ननंद और पति भी हंसने लगते हैं। जिसके बाद मोनिका बहुत ही प्यार और प्रेम से कृतिका का प्रवेश कराती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन अंदर आते ही उसका सर चौखट पर जाकर लग जाता है। ओहो, हम तो भूल ही गए थे, अब इस घर के अंदर एक लंबी बहू आ गई है और हमें उसके हिसाब के चौखट को बड़ा करवाना होगा। मैं कल ही मिस्त्री को बुला दूंगी। कृतिका के ससुराल में सभी लोग बहुत समझदार और एडजस्टेबल थे, उन्हें कृतिका की लंबी हाइट से कोई परेशानी नहीं थी। इसी के चलते वो अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। देखते ही देखते करवा चौथ आने लगता है। ये लो, ये सरकी है, एक सास अपनी बहू को देती है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ आ रहा है, तुम इस बार करवा चौथ का व्रत रखोगी ना? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। कृतिका ऐसा कहकर अपनी सास से सरगिरे लेती है। तभी उनके घर में झांकती हुई कुछ औरतें कहने लगती हैं, देखो जरा, लंबी बहू रखने वाली है अपने पौने पति के लिए करवा चौथ का व्रत। मैं तो यही सोच रही हूँ, जब चांद को देखने की बारी आएगी तो बेचारी को चांद देखने के बाद अपने बच्चे जैसे पति को देखने में कितनी दिक्कत होगी। ये सुनकर कृतिका को बहुत बुरा लगता है और उसका मुंह उतर जाता है। जिसके बाद उसके साथ मोनिका उन सभी औरतों से कहती है, छोटे लोग और छोटी सोच, अरे तुम लोगों से तो अच्छे हम बोने लोग ही हैं। हमारी हाइट ही छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है, तभी तो हमें लंबी हाइट वाली बहू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो चलो हमारे घर की बात है, यहाँ तो हमें प्रॉब्लम ना होकर तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। अपने घरों को संभालो, दूसरे लोगों के घरों में टाका झाकी करने से ज्यादा अच्छा होगा। मोनिका का तड़कता भड़कता जवाब सुनकर वहाँ की सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। तभी कृतिका कहती है, अरे वाह माँ जी, आप तो छोटा पैकेट बड़ा धमाल निकली, आपने तो एक ही जवाब में सबकी सिट्टी पिट्टी गोल कर दी। अरे और क्या, किसी से कम थोड़े ही हूँ। ऐसा कहकर मोनिका अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं और करवा चौथ का व्रत आ जाता है। सबसे पहले कृतिका बाजार से करवा चौथ देवी माता की तस्वीर लाकर घर में रख लेती है। जिसके बाद वो लाल जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। शाम को जैसे ही पूजा संपन्न होती है वो अपने पति के लिए पकवान भी बनाती है। मेरा पति बोना है तो क्या हुआ, मेरे लिए बहुत अनमोल है। अरे भाभी, यहाँ क्या कर रही हो, चलो जल्दी चांद आ गया, भैया को लेकर चलो और अपना व्रत खोल लो। ये सुनकर कृतिका बहुत खुश होती है। इसके बाद वो पूजा की थाली तैयार करती है और अपने पति के साथ घर के बाहर आ जाती है, जहाँ पर सभी औरतें अपने पतियों के साथ खड़ी होती हैं। वहाँ कृतिका और उसका बोना पति सबसे अलग नजर आ रहे होते हैं। सुनो कृतिका, लोगों की तरफ ध्यान मत दो, वो मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना व्रत खोलो। छलनी लेकर कृतिका व्रत खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका छोटा पति बहुत छोटा होता है जिस कारण उसे दिक्कत होती है। वो अपने पति को अपनी गोद में ही उठा लेती है, जिसके बाद छलनी से वो पहले चांद को देखती है और उसके बाद अपने पति को, और आखिरी में बंटी उसे अपने हाथों से एक गिलास पानी पिला देता है। इसके बाद उसका व्रत खुल जाता है। उनका ये प्यार देख कर सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद से गाँव वाले उनका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। आ जा किरण बहू, देख मैंने गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा, मैं अभी आई। इसे बनाते वक्त मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारी गाजर कच्ची ही खा जाऊं। माँ जी, आप तो बड़ी भुलक्कड़ हो, तो तू क्या कम भुलक्कड़ है। आपने ये बात तो सच कही, हम दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन खाते रहना ही तो जिंदगी है। सही कहा मेरी भुक्कड़ बहू। ज्वाला और किरण हलवा खाते हुए ये बातें बोल रही थी। बहू, इसमें से थोड़ा सा तेरे ससुर जी और आकाश के लिए भी बचा देंगे। ठीक है। दोनों सास बहू बड़े बड़े खाना बनाने वाले चमचों से हलवा खा रही थी। वो दोनों इतनी ज्यादा भुक्कड़ थीं कि कुछ ही देर में वो आधे से ज्यादा हलवा सफा चट कर गईं और अब थोड़ा सा हलवा बचा। चल बहू, बस अब इसको रख देते हैं। माँ जी मन तो नहीं है, लेकिन रख दीजिए। ज्वाला ने वो हलवा एक टिफिन में करके रख दिया। बहू चल, ये तो हो गया, अब तू जल्दी से खाना बना ले। आज तो मैं बहुत बढ़िया सा पालक पनीर बनाऊंगी, मेरा तो सुनकर ही खाने का मन हो रहा है। दोनों भुक्कड़ सास बहू इतना सारा हलवा खाकर भी खाना खाने की हिम्मत रखती थी। किरण बड़े ही मन से पालक पनीर की सब्जी बना रही थी। आहा, हे दीवा, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है।
किरण ऐसे ही बोल रही थी कि तभी उसके पास आकाश का फोन आता है। हेलो किरण। हेलो आकाश जी। मैं बस पूछना चाह रहा था कि आज खाने में क्या है, और अगर कुछ नहीं बचा है तो क्या मुझे अपने और बाबा के लिए कुछ लाना है? नहीं नहीं आकाश जी, आज तो मैं सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पालक पनीर बना रही हूँ। आज आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो आज मीठे में आपके लिए गाजर का हलवा भी है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आकाश बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और घर जाकर पालक पनीर और गाजर का हलवा खाने के ख्वाब देखने लगा। तो वहीं दूसरी ओर घर में, अरे बहू देख तो जरा, सात बज चुके हैं, ना तेरे ससुर जी का पता है और ना ही आकाश का। सही कहा माँ जी, ये लोग आने को ही नहीं है और मुझसे पालक पनीर की खुशबू सूंघ सूंघ कर रहा ही नहीं जा रहा है। चल बहू, जब ये लोग आएंगे हम इन्हें खाना दे देंगे, अभी हम दोनों तो भूखे हैं, चल हम दोनों साथ साथ खाना खा लेते हैं। शायद आप सही कह रही हो माँ जी, चलिए हम दोनों खाना खा लेते हैं। ऐसे बोलकर दोनों सास बहू ने खाना लगाकर खाना खाना शुरू कर दिया। वो दोनों एक के बाद एक रोटियां बस खाए ही जा रही थी और कुछ ही देर में उन्होंने सारी सब्जी और रोटियां खाकर चट कर दी। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कुछ देर बाद जब विष्णु और आकाश काम पर से लौटे तो उन्हें घर में कुछ भी खाने को नहीं मिला। अरे किरण, खाना? माफ कीजिएगा आकाश जी, वो सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो रही थी कि हम पूरी ही खा गए। आप प्लीज अपने और बाबा के लिए कुछ बाहर से ले आइए ना। आकाश बस बेबसी की नजर से अपनी पत्नी को देख रहा था। अब मैं तुम्हारा क्या ही करूं? आकाश अपने और अपने बाप के लिए बाहर से छोले और कुलचे ले आया। आ जाओ बाबा, खाते हैं। हाँ तू बैठ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। हाथ धोकर दोनों बाप बेटे ने खाना खाना शुरू किया। वहीं ज्वाला और किरण भी थी, वो उन दोनों का ही मुंह तकने लगी। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या आपको भी चाहिए? दोनों सास बहू का मन उस पर ललचा रहा था। उन दोनों ने ही हां में गर्दन को हिलाया और ना चाहते हुए भी विष्णु और आकाश को अपने खाने में से उन्हें भी खाना देना पड़ा। हमेशा उनके घर में यही होता था, दोनों भुक्कड़ सास बहू सारा खाना अपने पतियों के बगैर ही खा जाती थी और फिर बाद में उनके बनाए या मंगवाए खाने में से भी वो जरूर ही खाना खाया करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब करवा चौथ आने वाला था। दोनों ही सास बहु परेशान थी कि आखिर इतनी ज्यादा भुक्कड़ होकर वो करवा चौथ का व्रत कैसे रखेंगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें अभी से ही करवा चौथ के व्रत की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हमें वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। सही बोल रही है बहू, हम अभी से ही एक टाइम भूखे रहेंगे तो करवा चौथ के दिन हम आसानी से व्रत रख पाएंगे। दोनों सास बहू ने बस ऐसा सोचा ही था, लेकिन उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और वो दोनों भुक्कड़ों की ही तरह रोजाना खाना खाती रहीं। और आखिर करवा चौथ का दिन भी आ गया। अभी सभी के सरगी खाने का समय था। बहू, जितनी ज्यादा हो सके उतनी सरगी खाना, क्योंकि अब पूरे दिन का बस ये सरगी ही सहारा है। दोनों अपने पतियों के सामने बैठकर सरगी खाने। उन दोनों ने पहले बहुत सारी रोटियां खाई, उसके बाद फल और मिठाइयां खाकर उन दोनों ने एक एक मग भरकर चाय भी पी। बस करो किरण, इतना ज्यादा खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। चुप कीजिए, अगर मैंने ये सब नहीं खाया तो मेरी तबीयत खराब होगी, समझे? विष्णु और आकाश अपनी पत्नियों का ऐसा भुक्कड़ रूप अपनी आंखों से देख हैरान थे। उन्हें घर में जो भी मिल रहा था वो उसे खाए जा रही थी और बहुत सारा खाना खाकर वो दोनों ही सो गई। अरे बेटा, मुझे तो तेरी माँ की चिंता हो रही है, इतना भुक्कड़ होना सही नहीं है। आज तो इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही खा लिया बाबा, भगवान इन्हें सही रखे। दोनों बाप बेटे अपनी पत्नियों के ऊपर बस हैरान थे, लेकिन ज्वाला और किरण तो इतना सब कुछ खाकर बड़े मजे से सो रही थी। करवा चौथ की सुबह विष्णु और आकाश तो अपने काम पर चले गए, दोनों भुक्कड़ सास बहू घर में अकेली थी। माँ जी, इतनी सारी सरगी खाकर भी पेट कुछ मांग रहा है, इस पेट को समझा। समय कट ही नहीं रहा है, क्या करें, बढ़िया बढ़िया पकवान दिमाग में आ रहे हैं। चल बहू, शाम के लिए पकवान तैयार करते हैं, इससे हमारा समय कट जाएगा। दोनों सास बहू ने मिलकर सुबह में ही शाम के लिए बहुत कुछ बना लिया, लेकिन अभी भी शाम दूर पड़ी थी, इसीलिए वो दोनों ही अपने अपने कमरों में आराम करने चली गई। सोते हुए भी उन्हें बस खाने के ही सपने आ रहे थे।
हे भगवान, जल्दी से रात कर दे। दोनों सास बहू बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रही थी और किसी तरह आखिरकार रात हो भी गई। आकाश ने किरण को बताया कि वो कुछ देर बाद घर आएगा। ये क्या बात हुई, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं और इन्हें घर आने में नखरे हो रहे हैं। सही कहा माँ जी, चंदा तो निकल ही आया है, चलिए हम अपना व्रत खोल लेते हैं। सही कहा। दोनों सास बहू ने करवा चौथ का व्रत बिन सुहाग के ही चांद को पूज कर खोल दिया। उन्होंने अभी भरपेट खाना नहीं खाया था, लेकिन पानी वगैरह पीकर वो दोनों आकाश और विष्णु का इंतजार करने लगी। अरे अब आ भी जाओ विष्णु जी। अभी वो दोनों इंतजार ही कर रही थी कि तभी किरण के पास हॉस्पिटल से फोन आया कि आकाश और विष्णु का एक कार से एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही दोनों सास बहू की सारी भूख ही मर गई। माँ, माँ जी, इतने पवित्र दिन पर ऐसा अपशगुन। बहू, कहीं ये हमारी ही गलती की सजा हमारे पतियों को तो नहीं मिली है, क्योंकि हमने करवा चौथ के दिन का अपमान किया और बिन सुहाग के ही अपना व्रत खोला। ये शायद इसी वजह से ही हुआ है माँ जी, हमें करवा चौथ माता से माफी मांग लेनी चाहिए। दोनों सास बहू ने हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से माफी मांगी। फिर वो अपने पतियों के पास अस्पताल चली गई। उनके पतियों को बहुत ज्यादा चोट आई थी। मुझे माफ कर दो आकाश जी, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन इस गलती के बाद हमने फैसला किया कि हम दोनों कम खाया करेंगी पक्का। अब हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपके ऊपर कोई आ जाए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दोनों सास बहू के पति कुछ बोल तो नहीं सके, लेकिन वो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। उस दिन से ही उन दोनों ने कम खाना खाना शुरू किया। उनकी इस एक आदत में बदलाव से उनके घर की कई सारी चीजों में बदलाव आए। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादती किसी चीज की अच्छी नहीं है।